गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, प्लस इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन जॉइन दिस फॉर PDF एंड मोर इन्फॉर्मेशन। शाम को CDP की क्लास आती है, उसमें मैथ की एक क्लास आती है। मैथ में ना इतनी सारी ट्रिक्स बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं जानते होगे ना मैथ तो भी बहुत कुछ कर आओगे, तो देखा करो, उसे फ़ायदा मिलेगा आपको। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक कौन सा है? देखो, उत्तम पुरुष कौन सा होगा इसमें? उसका तो होगा नहीं, अन्य पुरुष हो गया, तुम्हारा होगा नहीं, ये कौन सा बन गया बताओ? मध्यम पुरुष बन गया। तो बहुवचन पूछ रहा है, हमारा हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। और ये क्या है सब बताओ? ये है सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने? भेद हैं 6। कौन कौन से? पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। सर्वनाम की संख्या कितनी है पूछ ले तो? 11। आंसर है डी। नेक्स्ट, ये आम उसके लिए हैं, ये आम उसके लिए हैं, तो अन्य किसी की बात कर रहे हैं, तो मध्यम तो होगा नहीं, उत्तम होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? अन्य। और किसी की बात कर रहा है ना, तो अन्य पुरुष हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। एक वचन भी नहीं देखना पड़ रहा है। इसमें से बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग भी होता है संस्कृत में, और इंग्लिश में कितने होते हैं? 4। ये याद रखो। पहिया अच्छा है, देखो यही है, लिखावट अच्छी है और मझधार अच्छी है, पहिया अच्छा है, इतने से ही निकाल लो, बाकी और पढ़ने की जरूरत नहीं, फालतू कन्फ्यूज करेंगे। नेक्स्ट, इसमें से पुल्लिंग बताना है कौन सा है? तो रात हो गई, बात हो गई, गीत अच्छा है, गीत अच्छा है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अंधविश्वास कैसा विश्वास है? अंधा है जो विश्वास, आंसर हो जाएगा कर्मधारय। विशेषण विशेष, ठीक है, इसी में होता है। उपमेय उपमान इसी में होता है, और विशेषण विशेषण भी इसमें ही होता है, जैसे सुर्ख लाल बोल दूँ तो वो विशेषण विशेषण है, वो भी कर्मधारय में आता है, आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण व्याधिकरण। द्वंद में योजक चिन्ह का यूज करते हैं, अव्ययीभाव में पहला या पूर्व पद प्रधान होता है, आंसर होगा बी। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अभ्यंतर शब्द में कौन सी संधि है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। देखो, या और वास क्या होते हैं? अर्धस्वर होते हैं। इन दोनों से पहले कुछ भी आधा आए तो वो क्या हो जाएगा? यर्ष्व संधि। वृद्धि में कितनी मात्रा होती है? वृद्धि में होती है 2 मात्रा, गुण में होती है 1 मात्रा, दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। यहाँ से पहले आधा आ रहा है ना। नेक्स्ट, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र क्या होगा? क्रीड़ा और नहीं का ये होने, जैसे देखो विद्यालय, विद्या के लिए आलय, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। गौशाला, गौ के लिए शाला। नेक्स्ट, सरयू उर्मी का संधि विच्छेद बताना है, तो उर्मी कैसे लिखते हैं? बड़ा ऊ आता है पहले तो, ठीक है, सरयू धन उर्मी, सरयू, सरयू छोटा हुआ आएगा या बड़ा हुआ आएगा बताऊँ? सरयू छोटा हुआ आएगा, सरयू धन उर्मी। आप लोग भी एक बार कंफर्म करना 5वें को कि बड़ा हुआ आएगा या छोटा हुआ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक है। तो वैसे इसमें सी और डी में से होगा, और मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, सरयू धन उर्मी, ठीक है। नेक्स्ट, द्वंद्व समास बताना है, इसमें से कौन सा है? तो देखो, अंधकूप, अंधा है जो कूप, कर्मदार है, शरण को आगत, ये हो जाएगा तत्पुरुष, ठीक है, भरपेट, अव्ययीभाव, धनुष और बाण, धनुर्बाण, आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लंबोदर सही है, गणेश जी के लिए यूज होता है, ठीक है, प्रतिघात गलत है, क्योंकि प्रति क्या है इसमें? उपसर्ग है, उपसर्ग किस में आता है? अव्ययीभाव समास में आता है, तो आंसर हो जाएगा सी। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक, याद रखना। नेक्स्ट, अच्छा, चौमासा द्विग दे रखा है, वैसे अगर चौमासा बहुबुरी दे रखा हो तो बहुबुरी में लगा के आना, इसमें तो चल जाएगा, दे नहीं रखा है इसलिए। इसमें से बताना है को उपसर्ग कहाँ नहीं है, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे या आदमी में, संस्कृत में 22 उपसर्ग, उर्दू में 19, उपसर्ग का सूत्र होता है प्रादुर्यह। देखो, कुशल को उपसर्ग नहीं है, पात्र, फल, मति, कैसा फल? कुफल, कुशल में नहीं होता, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित सही है, सही नहीं है, सॉरी। तो देखो, अवाप्ति, पराकाष्ठा, पराधन काष्ठा, ये सही हो जाएगा, अवाप्ति, अवधन आप्ति, समग्र, तो 49, समधन अग्र, समग्र, समधन अग्र, समग्र, ये सम होगा इसमें, इसमें ही दिक्कत है, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सही है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है उपसर्ग कौन सा शब्द उपसर्ग तत्सम और हिंदी का प्रत्यय, देखो कितना टफ शब्द क्वेश्चन बना दिए। देखो, कुरीतिया में कु क्या है? उपसर्ग है, तत्सम का तो ही शब्द है, हिंदी का प्रत्यय क्या है इसमें? रीति क्या है इसमें? मूल शब्द है, यहाँ क्या है इसमें? प्रत्यय, आंसर हो जाएगा डी। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे,
या अंत में। कौन कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये पांच प्रकार की, छह प्रकार के। नेक्स्ट इसमें बताना है इन प्रत्यय का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है। तो पुजारिन, लोहारिन, नागिन में हुआ है। मीन क्या है? मीन में नहीं हुआ है। मीन का मतलब क्या होता है? मछली। या जल के जितने भी पर्यायवाची ना, उनके पीछे अगर जीवन लगा दोगे तो मछली के पर्यायवाची बन जाते हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट खिवैया शब्द, खिवधन अय्या, एया, खिवधन एया, ए कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, क्योंकि तभी तो दो मात्रा बनती है, अय्या, खिवैया। आंसर हो जाएगा ए। भैया मत कर देना, या मत कर देना कहीं। नेक्स्ट थोता या सारहीन किस मुहावरे का भाव, मुहावरे के पीछे ना आता है, लक्षण शब्द शक्ति होती है, वाक्यांश होते हैं, अर्यभाषा का शब्द होता है। तो ढोल में पोल होना, थोता या सारहीन मतलब ढोल में पोल। नेक्स्ट यार प्लीज़ शेयर किया करो ना वीडियो को, आप लोग शेयर कम करते हो। शुद्ध वाक्य बताना है। मैं अपने घर जा रहा हूँ, मेरे नहीं होता, अपने, अनेक होता है, हमेशा बताया है। साहब ने बोला तो मैंने हंस दिया, मैंने नहीं, मैं हंस दिया, क्या होगा? मैं हंस दिया। आंसर हो जाएगा डी, डी शुद्ध है। वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है? आठ। रचना के आधार पर तीन। नेक्स्ट इसमें से बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखो कौन सा होगा, इन हालात में, हालातों नहीं होगा। आंसर हो जाएगा सी, सी अशुद्ध है। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य बताना है इसमें से कौन सा है, शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैं मंगलवार के दिन, बार आ गया तो दिन लगानी जरूरत है, हमारे प्रांत में के लोग मेहनती हैं, चलो। मैं उसका चश्मा, मैं अपना चश्मा, प्राय सभी लोग, प्राय लगा दिया, सभी भी लगा दिया, प्राय लोग दुखी। आंसर क्या हो जाएगा? बी, शुद्ध बी है। नेक्स्ट मोहन का घर अच्छा है, काकी के किस में आता है? संबंध, संबंध में क्या आता है? काकी के। अपादान में क्या आता है? से, अलगाव के सेंस में, कंपेयर के सेंस में। संप्रदान के लिए, करण से, जुड़ाव के सेंस में, ठीक है। कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग, याद रखना। परसर्ग कितने होते हैं? आठ। तत्पुरुष समास में छः। कर्ता और संबोधन यूज नहीं करते, और संबोधन का यूज सर्वनाम में भी नहीं करते, ये भी याद रखना। नेक्स्ट गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, जहाँ पे भी गरीब और भिखारी ये सब आ जाए ना, वहाँ पे बिना आँख, वहाँ पे आँख बंद करके संप्रदान लगा देना। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट नेत्र अच्छे हैं, नेत्र खुल गए, खुलेंगे। नेक्स्ट क्षण, क्षण बीत गया, स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग होगा। आंसर होगा बी, क्षण बीत गया, कभी बीत गई तो बोलते नहीं। व्याकरण में वचन, वचन का मतलब क्या होता है? वचन का मतलब संख्या, कितने होते हैं? एक वचन, बहुवचन, दो प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हिंदी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? हिंदी शब्द उत्पन्न हुआ है अपभ्रंश से। अगर पूछ ले हिंदी शब्द की, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है ये पूछ ले, तो है फारसी भाषा का। किस से उत्पन्न हुआ है? तो हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी की आदि जननी पूछ ले, आदि जननी, तो लगा क्या हुआ? संस्कृत। हिंदी अनुसूची किस में? आठ में। और भाग किस में बताओ? भाग 17 में। अनुसूची 8 में 22 भाषाएं, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? बी। और 343 से लेकर 351 तक इसी के उपबंध हैं भाषा के। और 10 जनवरी को मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। और 14 आगे बताना क्या बोलने वाला हूँ, जिसको अपने इंडिया का हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें से बताना है डा और डा कैसी दुनिया, डा और डा कैसी दुनिया, उत्क्षिप्त, द्विगुण, द्विगुण भी बोलते हैं, नव विकसित दुनिया भी बोलते हैं, इस पर संघर्षी बोलते हैं च वर्ग को, पार्श्विक होता है ल, लुंठित या प्रकम्पित तो बोलते हैं राको, ठीक है, याद रखना। और ये हलंत जहाँ लग जाता है ना, वहाँ नहीं आती, हलंत में नहीं आती है, ठीक है, याद रखना। और ये कभी भी शुरुआत में नहीं आती, शुरुआत में इनसे नहीं स्टार्टिंग होती। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा है? तो ज्योत्सना अशुद्ध है, मैंने बहुत बार लिख के बताया, ज्योत्सना, अहल्या लिख लो, ठीक है। चार दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी, ये लिख लो, नीरोग लिख लो, और दरोगा लिख लो, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, आशीर्वाद लिख लो, और कवित्री, ये सब लिखते रहा करो, भूल जाते हैं ना, दवाइयाँ। नेक्स्ट यथेष्ट में बताना है कि कौन सी संधि है। तो मैंने बताया था ना कि गुणसूत्र संधि में क्या आती है? एक मात्रा आती है। अब आप लोग बताना क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब क्या होगा। नेक्स्ट कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? मैंने बताया था क्रिया में लगता है, या क्रिया की मूल रूप को धातु कहते हैं वहाँ लगता है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में क्या लगता है? तद्धित प्रत्यय लगता है। नेक्स्ट विशेषण विशेष का संबंध किससे? कर्मधार है, ऊपर ही बता रहा था मैं। नेक्स्ट अब देखो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बैड बैंक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, लिख लेना, जरूर पूछा जाएगा, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लो। जैसे देखो मैं हूँ, मेरा नाम है राहुल, मैंने पैसे दिए हिमांशु को, ठीक है, और मैंने 1000 रुपये दिए हिमांशु को, ठीक है,
तो यहाँ पे आ गया मेरा एक और दोस्त, कौन सा? आकाश मान लो, ठीक है। आकाश मेरे से कहता है कि तूने जो हिमांशु को 1000 रुपये दिए, मैं तुझे 500 रुपये दे रहा हूँ, और हिमांशु से जितने पैसे वसूलने होंगे मैं वसूल लूँगा। तो जैसे हमारी बैंक पैसे दे दिए 1 लाख करोड़ किसी को उधार, तो यहाँ ये बैड बैंक आ गई। ये बैड बैंक क्या कहेगी कि इस वाली बैंक को पैसे दे देगी कि कुछ पैसे रख लो और इस आदमी से हम वसूली कर लेंगे, ये वाला काम होगा इसका, ठीक है। अब देखो ऐसे याद रखो, बैड लोगों से बात ना कर, ऐसे कहते हैं ना, याद देखो। पैसे लोग, पैसे का मतलब किससे होता है? पदम से होता है, पदम का मतलब पैसा होता है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। तो देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने CIC यशवर्धन, ठीक है। सुशील चंद्रा कौन बने बताओ? ये अपने मुख्य चुनाव आयुक्त तो बने, याद रखना, ठीक है। और ये सुरेश पटेल चीफ विजिलेंस कमिश्नर बने, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, मवेशियों की रक्षा के लिए किसने कानून बनाया? तो बताएं असम ने, याद रखना। नेक्स्ट, 2026 का विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? ये होगा भारत में। अच्छा ये बताना, 2025 का लक्ष्य अपना टीबी का, टीबी उन्मूलन कर देंगे, ठीक है। और एक चीज़ बताओ आप लोग कि 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये दोनों कहाँ होंगे? ये इंडिया में होंगे या नहीं होंगे, इतना ही बता देना, चलो, ठीक है। नेक्स्ट, देश का पहला ग्रीन, इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जाएगा। हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया लद्दाख में, कहाँ? लद्दाख में। नेक्स्ट, 100% कोविड वैक्सीनेशन वाला पहला बन गया केंद्र शासित, आंसर होगा बी। देखो अंडमान निकोबार क्या बना था? कोरोना फ्री होने वाला सबसे पहला। नेक्स्ट, किस राज्य में रेलवे ट्रैक के ऊपर 5 सितारा होटल? पिछली साल ही करा रहा था इस क्वेश्चन को मैं, गुजरात में बन रहा था तब, ये अब बन गया है। नेक्स्ट, तो ये आपका आज का हिंदी का वीडियो था। प्लीज़ आप शेयर किया करो, सपोर्ट किया करो, थोड़ा सा सामने वाले की मेहनत को थोड़ा पसंद किया करो। 2 से 3 घंटे लगते हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप भी सहयोग करो। आप लोग 10 मिनट की वीडियो में क्या 1 मिनट देकर शेयर नहीं कर सकते? तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, अपना अपने का ध्यान रखना। डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। जय हिंद, जय भारत।